quello che fa caldo. Che posso? Ma dai che si può. Guarda, chiamalo, tanto te ne vuoi. Cristian! Cristian!
इस वक्त पाकिस्तान में रात के कोई 1 बज रहे हैं और मैं स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हूँ और यहाँ 10 बजे हैं। अगर 10 बजे हैं तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, आप मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं आपको आसमान दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बिल्कुल जो है वो अभी लाइट मौजूद है 10 बजे, और ये शायद रात के 1 बजे और पाकिस्तानी सुबह 4 बजे तक जो है वो लाइट ऐसे ही रहेगी। मतलब यहाँ पर रात नहीं हो रही, यहाँ पर दिन ही रहता है। और ये जो लाइट है जो आपको मैं दिखाता हूँ फ्रंट साइड से भी, ये आप देखें कि जो लाइट आपको नज़र आ रही है, यही लाइट जो है वो इस वक्त जो है वो मौजूद है रात के 10 बजे, और यही रात के कोई 1 बजे तक रहती है। और फिर 3 घंटे के लिए कोई या 4 घंटे के लिए थोड़ी सी रात होगी और उसके बाद दोबारा दिन आ जाएगा। ओवरऑल अगर आप कहें तो ये है कि इन दिनों, ये जो इस वक्त आज जून की जो है वो 22 तारीख है, तो यहाँ पर रात नहीं हो रही। लेकिन 7 बजे तक ऑफ़िस की टाइमिंग है, तो 7 बजे के बाद जो है ऑफ़िस जो है वो क्लोज़ हो चुके हैं और लोग अपने अपने घरों में हैं। और आप देखें कि इंतहाई पुरसकून जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल हर साइड पर खामोशी है। कहीं कहीं आपको कोई कोई जो है वो लोग नज़र आएंगे। ओस्लो के बाद ये जो स्वीडन है इसका जो स्टॉकहोम शहर है उसके बारे में हमने सुना हुआ था लोगों से कि जी यहाँ पर रात नहीं होती और दिन ही रहता है। तो ये आप चूँकि आज मैं ख़ुद मौजूद हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि लोग जो हैं वो ऑफिस से 7 बजे तक की टाइमिंग है, 7 बजे के बाद यहाँ पर रात नहीं हुई, लेकिन जो है वो लाइटें वगैरह जो हैं वो उन्होंने अपने एज़ यूजल जला दी हैं, जो इस बात की निशानी है कि यहाँ पर रात हो गई है उनके मुताबिक। और गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी हैं, ये आपको मैं इस साइड पर भी दिखाता हूँ। अब देखें कि ये जो है, ये देखें साइड्स पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग अपने अपने घरों में अपार्टमेंट्स में बिल्कुल आराम कर रहे हैं, किसी किस्म का कोई शोर नहीं है, कोई शराबा नहीं है, किसी किस्म का कोई गुल पड़ा नहीं है, पुरसकून है। और जो है वो सब लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं, और इसका मतलब यह है कि यहाँ पर रात है। लेकिन एक्चुअल ये जो लाइटें जली हुई नज़र आ रही हैं आपको बिल्डिंग्स की, इनका मतलब यह है कि इनके नज़दीक यहाँ पर रात हो चुकी है, जबकि हकीकत में यहाँ पर रात नहीं हुई और यहाँ पर दिन है। आपको मेरे पीछे भी ये नज़र आ रहा है कि बिल्कुल दिन है, और यही दिन जो है वो रात के कोई 1 बजे और पाकिस्तानी तकरीबन 4-4.5 बजे तक ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद थोड़े से टाइम के लिए अंधेरा होगा और उसके बाद दोबारा जो है वो दिन हो जाएगा। तो ये मैंने कहा कि मैं चूँकि इस वक्त स्टॉकहोम में मौजूद हूँ, तो मैंने कहा मैं अपने जो भी दोस्त हैं उनको ये बताऊं कि ये सूरत हाल है यहाँ पे। बाकी आपको मज़ीद भी अपडेट्स जो हैं वो मैं इंशाल्लाह देता रहूँगा। अच्छा जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो ओस्लो का जो कंसर्ट हॉल है, ये कंसर्ट हॉल वो है जहाँ पूरी दुनिया के नामवर जो सिंगर्स हैं, जैसे शकीरा हो गई और सऊदी अरब के हो गए और दूसरे तीसरे हो गए, ये पूरी दुनिया के जो बड़े सिंगर्स हैं उनका यहाँ पे होता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने ये कंसर्ट हॉल है ओस्लो में, जहाँ से पूरी दुनिया से जो सबसे बड़े सिंगर्स हैं उनका यहाँ पर जब भी कंसर्ट होता है तो यहाँ पर होता है। ये सराउंडिंग में, ये सेंट्रल एरिया के पास है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओस्लो में, जो कि इसका कैपिटल है नॉर्वे का। और यहाँ पर जो है वो मैं आपको जो फेमस चीज़ें हैं वो दिखा रहा हूँ। उनमें से जो एक जो मेन फेमस चीज़ है वो मैं इस वक्त आपको दिखाता हूँ। वो मेन जो फेमस चीज़ है वो क्या है, वो मेन फेमस जो चीज़ है वो है नोबल प्राइज़ गैलरी। ये यहाँ पे नोबल प्राइज़ गैलरी है कि आज तक दुनिया में जितने लोगों को नोबल प्राइज़ दिया गया, क्योंकि नोबल प्राइज़ का तलक जो है वो चूँकि नॉर्वे से है, तो जितने भी लोगों को आज तक नोबल प्राइज़ दिया गया है उसके लिए उन्होंने एक गैलरी बनाई है। और जो गैलरी बनाई है उसमें वो आज तक के जितने लोगों को वो उन्होंने ये प्राइज़ दिया है वो वहाँ पर वो उन लोगों की पिक्चर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस वक्त ये है नोबल प्राइज़ गैलरी। ये जो है ये अगर आप मैं इसको आपको करा तो ये सामने नोबल, ये आपको नज़र आ रहा होगा नोबल पीस, ये सेंटर लिखा हुआ है लेकिन नोबल प्राइज़। तो ये नोबल प्राइज़ गैलरी है। और अगर आप इससे थोड़ा सा अपोजिट साइड पे देखें तो ये मैं आपको रेड कलर की बिल्डिंग दिखा रहा हूँ। ये रेड कलर की वो बिल्डिंग है जहाँ पर नोबल प्राइज़ दिया जाता है। तो आज तक दुनिया में जितने भी लोगों को नोबल प्राइज़ मिले हैं वो इस बिल्डिंग से जो है वो ज़्यादातर जो है वो दिए गए हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है इन्होंने बनाई हुई है। मैं इस वक्त ओस्लो में आ जाया हूँ और मौसम बहुत अच्छा है, जबकि इस वक्त बड़ी जो सेंट्रल एरिया है उसके करीब करीब मैं खड़ा हूँ। मेरे साथ हमारे एक दोस्त खान साहब भी मौजूद हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब जो है इनका तलक अफ़गानिस्तान से है और ये बड़े ही प्यारे दोस्त हैं और ये यहाँ पर पिछले 14 साल से सेट हैं और इनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम है और पाकिस्तानी अच्छे खासे जो हैं वो पैसे कमा रहे हैं। तो ये आपको बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओल्ड टाउन की गलियों में हम मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं। एक ये हज़ारों साल पुराना इनका यहाँ पर भी चर्च मौजूद है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ। ये सेंट्रों नहीं, ये हज़ारों साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है, जो कि किसी वक्त हम आपको फिर दोबारा जो वीडियोस हैं उसमें आपको दिखाएंगे जी। इसकी जितनी गलियाँ हैं वो सारी आपस में अंदरून लाहौर की तरह आके एक दूसरे से मिल जाती हैं। ये देखें बहुत ही तंग गलियाँ हैं, हम आपको सारी जो गलियां हैं उनका विज़िट करवाएंगे जी। इसकी ओल्ड टाउन की जितनी भी गलियां हैं वो बहुत तंग तंग हैं, लेकिन बहुत सफाई का इंतज़ाम है और बहुत ही खूबसूरत है। और टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो आप मेरे पीछे भी यकीनन देख रहे होंगे, और अभी जो वीडियो हम आगे से भी आपको चेक करवा रहे हैं नेक्स्ट कैमरे से वो भी आप देख रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, अगर कोई स्टॉकहोम में आता है तो उसको ओल्ड टाउन ज़रूर विज़िट करना चाहिए।